हेलो दोस्तों, चलिए इस लेक्चर में देखते हैं साल भर सुर्खियों में रहे चक्रवात। पहले उत्तरी हिंद महासागर में देख लेते हैं। फानी बंगाल की खाड़ी और भारत के पूर्वी तट पर आया है। अप्रैल माह में आया था। 1976 के बाद पहला गंभीर चक्रवात है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इससे प्रभावित हुए। इसका फानी नाम दिया है बांग्लादेश ने। अंगलाय फिथाई, पूर्वी तट पर दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, 3 से 18 दिसंबर 2018 में। नाम दिया है इसे थाईलैंड। अंगलाय गाजा, मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आया है, 10 से 19 नवंबर 2018 को। नाम दिया है श्रीलंका ने। अंगलाय तितली, मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आया था, 8 से 13 अक्टूबर 2018 के बीच। नाम है दिया है इसका पाकिस्तान ने। लुवान, मध्य पूर्वी अरब सागर में आया है, 6 से 14 अक्टूबर 2018। नाम दिया है ओमान ने। अंगलाय डाई, ये मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी निकटवर्ती म्यांमार में 19 से 22 सितंबर 2018 के बीच आया। नाम दिया है म्यांमार ने। अंगलाय मैकुनु, अरब सागर में आया है, 21 से 27 मई 2018 के बीच। नाम दिया है मालदीव ने। अंगलाय सागर, अरब सागर में आया है, 16 से 21 मई 2018 के बीच। नाम दिया है भारत ने। आगामी चक्रवातों के नाम, उनका नामकरण वायु भारत देगा। अब आएंगे जो अगले, हीका मालदीप, क्वायर म्यांमार, महाओमान, बुलबुल पाकिस्तान, पवन श्रीलंका, अम्फान थाईलैंड। अब उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में देख लेते हैं। मंग खूट दक्षिण चीन सागर में आया था, हांगकांग, चीन, फिलीपींस प्रभावित देश थे इससे। नाम दिया था थाईलैंड ने इसे। अगला पाबुक, दक्षिण चीन सागर में अंडमान द्वीप सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रभावित किया था, 4 से 8 जनवरी 2019 के बीच। इसका नाम दिया था लाओस ने। अब अगले देखते हैं ऑस्ट्रेलियाई उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मार्कस, टेबोर, वेरोनिका। ऑस्ट्रेलिया में नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रभावित हुआ इससे। दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में देखते हैं, कैनेट मोजाम्बिक, नाम सेसल्स ने दिया था। इडाई मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे में, नाम दिया था इसका जिम्बाब्वे। चलिए दोस्तों, तो ये थे मुख्य चक्रवात।